हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिस स्टॉक में आपने पूछा है मैं यहाँ पे कवर करूंगा। दोस्तों, अगला जो है कि वीक के बारे में देखने के पहले हम लोग लास्ट वीक के बारे में देखेंगे कि लास्ट वीक में हमने जैसे देखा कि मार्केट ने थोड़ा डिप मारा था 11,900 के आसपास, यहाँ पे एक बॉटम बना के फिर से ऊपर आ गया और 12,080 के आसपास क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे आप मार्केट देखोगे तो यहाँ पे पूरा बुलिश भी नहीं दिख रहा या फिर बेरिश भी नहीं दिख रहा है। अगर बेरिश होता तो नीचे से कवर करके इसने एक ऊपर क्लोज दिया है और ऊपर भी जैसा कि 11,150 के आसपास ये यहाँ पे एक स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने के लिए। तो मैं आपको ये चार्ट पे भी बताऊंगा, लेकिन अगर लास्ट वीक का मार्केट देखो तो अभी हमको जो एक्सपेक्टेशन लग रहा है कि मार्केट थोड़ा एक साइडवेज हो सकता है, कहीं पर भी ऊपर या नीचे एक कंफर्मेशन दिया नहीं कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है। हम लोग जैसे कि अपना डोमेस्टिक न्यूज़ देखे या फिर ग्लोबल न्यूज़ देखे, उसमें कोई बड़ा न्यूज़ नहीं दिख रहा है। जो भी ग्लोबल न्यूज़ के जो कोरोना वायरस का भी जो डर था वो अभी तक ज़्यादा ये नहीं होते हुए दिख रहा है, यानी कि उसके वजह से कि मार्केट कोई नर्वस होते हुए नहीं दिख रहा है वर्ल्ड मार्केट, तो यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं दिख रहा है। फिर भी मार्केट का ब्रेकआउट कहाँ पे हो सकता है या भी कौन सी जगह पे मार्केट जा सकता है, ये आपको चार्ट हम लोग रीड करेंगे तभी हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों, कि आने वाला 24 तारीख को जैसे मैंने आपको कहा कि मंडे को ऑलरेडी बताया कि हमारा एक एडवांस टेक्निकलिस्ट का कोर्स शुरू हो रहा है जिसमें हम लोग लाइव मार्केट में पढ़ाएंगे और आपको 8 दिन हमारे साथ ट्रेडिंग करने को देने वाले हैं। वैसे ही हमारा एक संडे का भी बैच चालू हो रहा है 1 मार्च को, तो ये संडे टू संडे रहेगा। जो भी रेगुलर नहीं आ सकते वो संडे का बैच अटेंड कर सकते हैं। सेम पोर्शन रहेगा, सेम सिलेबस रहेगा और वो कोर्स 2 महीना चलेगा। उसके बाद भी आप हमारे साथ एक वीक के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों कोर्स के लिए जिनको भी एडमिशन लेना है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे आने वाले वीक के लिए मार्केट कैसा रहेगा। हाय फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। जैसे आपको मालूम है कि लास्ट वीक एक छोटा वीक था, तो यहाँ पे 4 दिन ही मार्केट था। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से लास्ट वीक से मार्केट चालू हुआ था, यहाँ से ओपन होने के बाद जो नीचे गया और फिर से वही लेवल के आसपास आके रेजिस्टेंस ले रहा है। जो लेवल है 12,136 के आसपास है, जैसे मैंने 150 कहा था, और नीचे जो सपोर्ट लिया था 11,900 के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। हम लोग थोड़ा वीकली चार्ट देख रहे हैं, वीकली व्यू देख रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम का भी चार्ट देख लेते हैं। जैसा कि मंथली चार्ट, यहाँ पे मंथली भी देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मीन्स ऐसा प्रूव नहीं हो रहा है नेगेटिव या पॉजिटिव, बिल्कुल ही मिडल में यहाँ पे जो मंथली कैंडल दिख रहा है। हम लोग वीकली देखेंगे तो यहाँ पे जरा वीकली हम लोग देखेंगे तो वीकली जो कैंडल है यहाँ से एक बाइंग प्रेशर कैंडल दिख रहा है, लेकिन जो लास्ट वीक था उससे थोड़ा नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ है। अगर आप ये बॉल देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ मोटा मोटी देखेंगे कि क्या व्यू मिल रहा है। हम लोग डेली में देखते हैं, तो डेली में हम लोग फिर से आने के बाद ये देखिए कि डेली में हमको जो दिख रहा है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि एक लास्ट वीक में यहाँ पे बॉटम बनाया और यहाँ पे एक टॉप बना रहा है, तो लास्ट वीक का रेंज इतना ही था। आप ओवरऑल मार्केट देखो तो आपको ऐसा दिखेगा कि जैसे कि एक पहला ये जो हाई और ये लो है, ये बड़े बड़े लेवल थे, फिर से मार्केट ने नजदीक वाले छोटे छोटे लेवल बना दिए। तो मार्केट को अभी कभी भी एक साइड जाना है तो ये ऊपर वाला लेवल या फिर नीचे वाला लेवल उसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मार्केट जैसे लास्ट वीक में ना तो पॉजिटिव था ना तो नेगेटिव था, यहाँ पे ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल था ना तो ईजी था, क्योंकि मार्केट जब भी डिसाइड करता है आइदर साइड कहीं जाना है ऊपर या नीचे, तो ट्रेडिंग करना आसान होता है। नेक्स्ट वीक में भी वैसा ही कुछ हो सकता है। अगर मार्केट ये जो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो एक ट्रायंगल भी ब्रेकआउट होता है तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। अगर ये नेक्स्ट वीक में ही ब्रेकआउट होता है तो अच्छा होगा, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये ट्रायंगल सिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं हम लोग बोल सकते, क्योंकि जब ये इंटरसेक होता है और बाद में ब्रेकआउट होता है तो वो ब्रेकआउट सही नहीं माना जाता है। तो ये लेवल अगर नेक्स्ट वीक में ही ब्रेकआउट होने चाहिए। एक नॉर्मली आप लोग यहाँ पे मोटा मोटी देखोगे तो यहाँ पे 12,200 और 12,900 का एक हमको एक लेवल दिख रहा है कि वो ब्रेक होना चाहिए, तभी हमको एक कंफर्म मूव मिल सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर ग्लोबल मार्केट भी कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, फिर भी अपना व्यू अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है, जब तक कि 12,200 या 250 के ऊपर मार्केट एक क्लोज होके अच्छी तरह एक सस्टेन होना चाहिए, तो ये रेंज रहेगा मार्केट का। तो ये रेंज ब्रेक करके मार्केट ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग पॉजिटिव समझेंगे। नेक्स्ट वीक के लिए अगर नज़दीक वाले भी लेवल रहेंगे
तो हमको वही लेवल रहेंगे। और अगर आपको मैं डायरेक्टली मंडे के लेवल दे दूँ तो मंडे भी मार्केट 12,068 के नीचे जाता है, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। बाइंग के लिए शॉर्ट टर्म बाइंग 12,136 के ऊपर बाइंग कर सकते हो। उसके ऊपर 12,215 एक इम्पोर्टेंस लेवल रहेगा, ये ब्रेक करने के लिए मार्केट ज़्यादा स्ट्रगल कर सकता है। तो ये आपको बाइंग के साइड में ए लेवल देखने हैं। सपोर्ट में 12,068 है, नेक्स्ट सपोर्ट है 12,000। तो ये 12,000 जो मैंने लास्ट वीक में भी कहा था कि अगर ये ब्रेक होता है तो हम लोग नेगेटिव समझेंगे, लेकिन देखिए कि 12,000 के नीचे मार्केट एक ही दिन गया है। तो एक 12,000 जो एक लेवल है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा नेक्स्ट वीक में, जब भी मार्केट मंडे को शुरू होगा। तो यही लेवल से है और इसको आप देख के ट्रेडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि बैंक निफ्टी, तो जैसे कि लास्ट जो थर्सडे था कि फ्राइडे को तो छुट्टी थी, थर्सडे को जो कि बैंक निफ्टी है, निफ्टी से थोड़ा एक पॉजिटिव बिहेवियर किया, लेकिन इसका जो कैंडल भी है एक मिडल में क्लोज हुआ, ये तो ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव भी नहीं है। यहाँ पे बैंक निफ्टी के अगर मैं आपको लेवल बताऊँ तो ए वाला जो है कि लोएस्ट वाला 30,250 के आसपास आता है, और ऊपर वाला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमको नज़दीक वाला यहाँ पे लेना है। तो अगर ये भी हम लोग लेवल लेते हैं तो 31,500 के आसपास आता है, और उससे भी नज़दीक वाला लेवल हम सपोर्ट के लिए लेंगे तो यही होता है कि वो है 30,769, और रेसिस्टेंस का जो लेवल रहेगा 31,181। मंडे को इमिडिएटली आपको बाइंग या सेलिंग करना है तो आपको 31,095 के ऊपर बाइंग करना है। सेलिंग के लिए एकदम नज़दीक वाला लेवल रहेगा 30,915, तो ये नज़दीक वाला एक सेलिंग के लिए इंट्राडे के लिए लेवल हो सकता है। बैंक निफ्टी भी अभी तक एक साइडवेज है, जो कंफर्म डाउन ट्रेंड है अप ट्रेंड इसने अभी तक बताया नहीं है। उसके बाद मैं वो स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो मुझे आपने पूछे, तो मुझे धामकर शुगर करके उसके बारे में मिस्टर होमकर जी उन्होंने पूछा। तो यहाँ पे हम लोग धामपुर शुगर देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि कंसिस्टेंटली अगर आप धामपुर शुगर देखेंगे तो ये यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, और अभी तक ये कुछ सस्टेन नहीं हुआ है। यहाँ पे उसका एक सपोर्ट जो है नज़दीक वाला अगर हम लोग देखेंगे तो पहले से ये दूर से ये आ रहा है, वापस इसने एक सपोर्ट लिया है, लेकिन अगर आपने बाइंग किया होगा तो ये सपोर्ट जो है 185-166 का आप लगा सकते हो, लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो और भी डाउन जा सकता है, और ये आ सकता है 167, क्योंकि फिलहाल इसका एक डाउन ट्रेंड है। अगर आपने यहाँ से बाउंस होता है 185 से बाउंस होकर रिवर्स होता है तभी भी आप बाय कर सकते हो, लेकिन अभी तक करंट इसमें ये बाइंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है कि एनआईटी का मुझे मिस्टर संजय जी ने पूछा है, तो एनआईटी टेक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो एनआईटी टेक देखिए कि एक पॉजिटिव स्टॉक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक नीचे आया था रैली बेस रैली करते हुए, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, लेकिन इसमें फ्रेश बाइंग करना है तो 1972 के ऊपर ब्रेक करता है तो बाइंग कर सकते हो। करंट बाइंग किया हुआ तो 1778 का एक टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन ये लेवल पे बाइंग रिकमेंडेशन नया वाला नहीं है। नेक्स्ट जो है मुझे सुब्रमण्यम जी उन्होंने अल्ट्रा ट्रेक के बारे में पूछा है, तो जो है कि अल्ट्रा केमो जो है यहाँ पे देखिए मैं बहुत बार यहाँ पे कवर भी किया है, तो यहाँ पे ऊपर वाला और नीचे वाला भी लेवल भी मैंने बताया था 4751, और नीचे वाला जो है 4250, तो ये कहाँ पे भी नहीं जा रहा है, ये भी साइडवेज है जैसा कि अपना मार्केट है। तो यहाँ पे आपको नया कुछ ट्रेड नहीं मिल सकता आइदर ये ऊपर और नीचे वाला लेवल जब तक तो ब्रेक नहीं होता। यहाँ पे आप लोगों को तो कन्फ्यूजन हो सकता है या टॉपलस भी हिट हो सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वेदांता, मुझे पूछा है कुंदेश करके उन्होंने, तो यहाँ पे वेदांता का हम लोग चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए वेदांता एक सपोर्ट लेके सपोर्ट से एक ये ले रहा है, लेकिन इतना अभी जैसे कि पॉजिटिवली नहीं जा रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पे सभी कैंडल जो है तो ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर उसको आ रहा है, लेकिन आपने अगर इसको बाई किया होगा तो नज़दीक वाला 138 का यहाँ पे टॉप लॉस लगा सकते हो। नया बाइंग के लिए यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। नेक्स्ट जो स्टॉक है SBI, तो संजय वेल्लोर करके उन्होंने मुझे SBI के बारे में पूछा है। तो SBI देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग चला था, यहाँ पे हमारा जो है कि फॉलिंग ये जो है चैनल, तो फॉलिंग चैनल में या एक बार आके फेल भी हुआ था, फिर से वो चैनल के बाहर जा रहा है। यहाँ पे अगर SBI का ऊपर वाला जो रेसिस्टेंस देखे 329 है, अगर ये क्लोज करके ऊपर सस्टेंड होता है तो आप इंट्राडे डिलीवरी में बाय कर सकते हो, और इंट्राडे में 329 लगभग ये राउंड फिगर 330 हम लोग अगर पकड़े तो बहुत अच्छा है। तो इंट्राडे में 330 के ऊपर भी जाता है तो इंट्राडे का पोजिशन आपको वहाँ पे भी आपको 1-2% मिल सकता है, और अगर क्लोज होता है उसके ऊपर तो आपको डिलीवरी में भी यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। तो एक इम्पोर्टेंस लेवल है 330, अभी इसमें बन गया। फिलहाल आपने बाई किया होगा तो 323 का
यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इंट्राडे में 323 के नीचे जाता तो इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि कैडिला हेल्थ केयर, आशुतोष जी उन्होंने मुझे कैडिला हेल्थ केयर के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे इसका जो है कि असेंडिंग चैनल बन रहा है। यहाँ पे ऊपर का जो चैनल का लेवल है वहाँ पे एक जाने का कोशिश करेगा, तो यहाँ पे अभी ज़्यादा ये रूम नहीं बचा है, लेकिन इंट्राडे के लिए 282 के ऊपर आप उसमें बाइंग कर सकते हो। डिलीवरी के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, जो ऊपर वाला ही जो लेवल है यहाँ पे, ये लेवल आप देखो तो यहाँ पे बहुत सारा सेलिंग है। तो अगर 288 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तभी इसमें आप नया फ्रेश बाइंग ले सकते हो। ये लेवल पे यहाँ पे पहले एक गैप भी है तो गैप फिल भी कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इंडस बैंक के बारे में मुझे रंजन करके उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे इंडस बैंक का हम लोग चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए इंडस बैंक जो है कि इसने अपना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ब्रेक करने के बाद यहाँ पे फिर से एक रिवर्स हो रहा है, लेकिन ये रिवर्स होके जैसा कि यहाँ पे ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करके ये नीचे आने का भी एक मुझे चांस लग रहा है। तो यहाँ पे जब तक आप बाय नहीं करो, क्योंकि ये 1251 ये लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है, जो लेवल ब्रेक करके गया था उसके ऊपर वाला लेवल पे सस्टेन होता है तभी आप बाइंग करो। यहाँ पे फिर से रिवर्स होकर नीचे जाने का मुझे एक चांस लग रहा है। अगर आपको इसमें शॉर्ट सेल का ट्रेड करना है तो वो भी 1108 के नीचे इसमें आप शॉर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है मुझे माइंड ट्री के बारे में पूछा है मौलिक जी करके उन्होंने, तो हम लोग माइंड ट्री का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि माइंड ट्री का चार्ट जो है कि बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पे नेक्स्ट उसका रेजिस्टेंस है 1099, यानी कि 1099 1100 लगभग राउंड फिगर में। इसमें आपको अगर इंट्राडे भी लेना है तो इंट्राडे आप इसमें कर सकते हो, वो 1056 के ऊपर जाता है, इसमें आप इंट्राडे में बाइंग कर सकते हो। अगर आपको फिर से इसमें नया अगर डिलीवरी बेस बाइंग करना है तो ये जहाँ पे ऊपर गया है यहाँ पे एक बार यहाँ पे रिटेस्ट होकर ऊपर जाएगा 994 के आसपास, तो यहाँ पे आप लोग हो तो ये एक अच्छा बाइंग हो सकता है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है। तो ब्रेकआउट करके ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि इमिडिएटली वो जो कि रिटेस्ट करने को आता है नीचे, तो इंट्राडे के लिए 1056 के ऊपर बाय कर सकते हो। डिलीवरी करना है फिर से ये ब्रेकआउट लेवल जो है ये है 994, यहाँ पे आके रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो आप तभी बाइंग कर सकते हो। मुझे आईशर मोटर के बारे में किसी ने कहा है कि ये फॉलिंग वेज बन रहा है क्या, तो मुझे ऐसा कुछ इसमें कोई चार्ट पैटर्न नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मुझे आईशर मोटर के बारे में गौतम उन्होंने पूछा था, तो यहाँ पे मुझे कुछ फॉलिंग वेज ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन इसका ट्रेंड डाउन लग रहा है क्लियरली। यहाँ पे अगर इसमें बाय करना है तो 17,672 के यहाँ पे आता है और कुछ पॉजिटिव कैंडल बनाते हैं तो आप 17,361 का टॉप लॉस लगा के बाइंग कर सकते हो। अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे बाइंग का मौका तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। भारतीय एयरटेल के बारे में मुझे पूछा है सुजीत जी करके उन्होंने, और उसने उन्होंने कहा कि इंट्राडे भी बता दो। तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल जो है कि यहाँ पे बहुत ऊपर जाने के बाद देखिए कि आई थिंक हाँ लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के बाद ये थोड़ा सा एक रिवर्सल ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पे इंट्राडे का अगर मौका मिलता है बाइंग करने का तो आपको 5x2 के ऊपर यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, और अगर इंट्राडे में अगर 533 के नीचे आता है तो इसको शॉर्ट कर सकते हो। फिलहाल इसमें डिलीवरी बेस्ड बाइंग का मैं ये नहीं देता हूँ क्योंकि बहुत ही ओवरबॉट हो गया है, तो यहाँ पे इंट्राडे आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो है कि अशोक लेलैंड के बारे में मुझे यहाँ पे पूछा है जगदीश करके, यहाँ पे मीडियम टर्म के बारे में उन्होंने मुझे पूछा है। तो देखिए अशोक लेलैंड बहुत ही एक जो है कि लेवल में कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट जो है 76 के ऊपर और रेसिस्टेंस 86 के ऊपर, यानी 10 पॉइंट में ये घूम रहा है। जब भी 87 के ऊपर अगर, क्योंकि 86.76 है, 87 के ऊपर सस्टेन होता है तो आप एक मीडियम टर्म में इसमें ले सकते हो, या फिर आपको ये जो है कि ये स्विंग चल रहा है स्विंग में लेना है, तो जब ये 76 में आता है तो 75 का टॉप लॉस लगा के इसमें आप बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, मुझे पूछा है तालुकेदार जी उन्होंने, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट पूरा देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पूरा चार्ट देखते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा है एक अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक करके नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे इसको फॉर्मेशन ऐसे बन के दिख रहा है कि ये सपोर्ट जो था इसने ब्रेक किया है, तो ये सपोर्ट अभी अभी रेजिस्टेंस बनेगा, ऊपर जाने के बाद ये फिर से नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे अगर 85 को रिट्रेस करके नीचे आ रहा है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, ये जो लो था रिसेंट लो के नीचे आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। बाइंग का यहाँ पे कोई भी मुझे मौका नहीं दिख रहा है। नहीं जो है कि इन्फोसिस के बारे में मुझे आलोक जी करके उन्होंने पूछा है, इन्फोसिस का चार्ट देख लेते हैं। तो इन्फोसिस है कि
अभी तो अच्छा चल रहा है, हायर लो बना रहा है और एक पॉजिटिव में भी है, लेकिन इसका नेक्स्ट जो बाइंग है 815 के ऊपर ही आ जाता है, तो इसमें आप बाइंग करो। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो सकता है, बाइंग किया होगा तो नज़दीक वाला आपको यहाँ पे टॉप लॉस चाहिए वो 792 का आप टॉप लॉस लगा सकते हो। नेक्स्ट जो है कि TCS के बारे में मुझे पूछा है भरत करके उन्होंने, तो TCS का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे TCS का जो चार्ट है इतना दिन से ऊपर जा रहा था, इसके बाद ये जो दो सेलिंग का एक कैंडल आया ये ज़्यादा नेगेटिव है, तो यहाँ पे थोड़ा कुछ बाइंग का यहाँ पे कॉल तो नहीं बन रहा। एक सपोर्ट था उसके ऊपर ही परफेक्ट यहाँ पे बैठ गया। अगर इसमें TCS में आपको बाय करना है तो ये नज़दीक वाला सपोर्ट है, ये लेवल पे आने के बाद आप बाइंग कर सकते हो। 2081 का यहाँ पे बाय कर सकते हो, 2061 का टॉप लाइन लगा के इसमें आप बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है रिलायंस, वो मुझे पूछा है जितेंद्र करके उन्होंने, तो रिलायंस के बारे में मैंने भी कुछ कॉल दिया था, तो आपको कहा था कि जैसे कि 1500 के ऊपर 1506 के ऊपर जाता है यहाँ पे बाई करो। तो एक है कि अगर आप इंट्राडे में देखो सिर्फ एक कैंडल गया था उसके बाद ये नीचे आया, तो यहाँ पे फिर से 1500 जो उसका एक लेवल वो ब्रेक करके आया था नीचे, तो वो लेवल जाने के लिए ये बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है। नेक्स्ट वीक में भी आपको रिलायंस में अगर शॉर्ट करना है 1478 के नीचे जाता तो आप शॉर्ट कर सकते हो। 1500 के ऊपर 1506 जो लेवल रहेगा उसके ऊपर अगर वो 15 मिनट रुकता है या फिर रिटेस्ट करता है, जैसे कि मैं आपको एवरी टाइम बताता हूँ 5 मिनट्स में ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट करके जब भी रिवर्स होता है तभी इसमें बाइंग कीजिए। नेक्स्ट जो स्टॉक है मैं आपको बताऊंगा ओल्टास, तो यहाँ पे ओल्टास मुझे मंगेश जी करके उन्होंने पूछा है, तो ओल्टास के बारे में मैंने भी कुछ कॉल दिया था उसमें, आई थिंक मैं थोड़ा इंट्राडे में भी देख लेता हूँ कि क्या हुआ था। तो ओल्टास में देखिए कि इसमें भी देखिए ऊपर ये सस्टेन होने के बाद ये नीचे आ गया और वही लेवल को ये रेसिस्टेंस कर रहा है, तो ओल्टास में अभी नया बाइंग करने के लिए आप थोड़ा वेट करो, क्योंकि जो इसका जो रेसिस्टेंस पॉइंट है ऑल टाइम हाई तो मारा था लेकिन यहाँ पे वो रेसिस्टेंस कर रहा है, तो यहाँ पे उसमें अगर 736 के ऊपर जब भी वो क्लोजिंग देगा तभी आप बाइंग कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग हुआ था बहुत ही बड़ा कैंडल से हुआ था और ये ब्रेकआउट भी हुआ था लेकिन वहाँ पे वो सस्टेन नहीं किया, तो जब भी 736 के ऊपर ये सस्टेंड होता है तभी इसमें आप जो कि डिलीवरी के लिए बाइंग कर सकते हैं। हैवेल्स के बारे में मुझे ममता जी करके उन्होंने पूछा है, तो हैवेल्स में देखिए कि कुछ पैटर्न बन रहा है जिसको हम लोग लगभग ये डबल बॉटम बोलते हैं, वो ऐसा एक पैटर्न बन रहा है, अगर ये बॉटम और ये बॉटम आप लेते हो तो ये डबल बॉटम है। हैवेल्स में जिस दिन ये 633 के ऊपर क्लोज होता है तभी आप इसमें डिलीवरी बेस ट्रेडिंग ले सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है रेमंड, तो रेमंड मुझे पूछा है प्रज्ञा जी करके उन्होंने, तो रेमंड का चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे रेमंड जो है कि एक सपोर्ट लेवल पे है लेकिन उसको कुछ अच्छा कैंडल नहीं बना है जिसको स्ट्रांग कैंडल हम बोल सकते हैं, फिर भी आप अगर आपको इसमें बाइंग करना है तो ये लेवल पे बाइंग करते हैं तो आपको टॉप लॉस रहेगा 565 का, यहाँ पे एक टॉप लॉस हो सकता है। तो दोस्तों इतने स्टॉक है जो आपने मुझे पूछे थे, ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट वीक में मार्केट ऐसा ही चलेगा, इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। दोस्तों यहाँ पे हमने मार्केट के बारे में डिस्कशन किया, थोड़ा हम लोग एक लर्निंग के बारे में करेंगे। अगर आपको ऐसे ही टेक्निकल मेरे साथ आके सीखना है यहाँ पे स्टॉक गुरु दीपक अकेडमी में मुंबई ठाणे में, तो मेरे साथ आके आप सीख सकते हो। इसके डिटेल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, जैसे कि हमारा 24 तारीख को रेगुलर कोर्स शुरू हो रहा है और संडे का जो संडे स्पेशल बैच है वो हमारा 1 मार्च से हो रहा है, तो दोनों में आपको अगर एडमिशन लेना है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।